बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। 60 के दशक से हेमा फिल्मों में काम कर रही हैं। हेमा की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी लाइमलाइट में रही है। हेमा मालिनी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की, लेकिन हेमा मालिनी के शादी करने से पहले ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे। इसके बावजूद उन्होंने हेमा से शादी की। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी। प्रकाश से धर्मेंद्र के दो बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हैं। दोनों बेटों के होने के बाद धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी पर आ गया और दोनों ने शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कम लोग ही जानते हैं, लेकिन एक बार एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने प्रकाश कौर के बारे में बात की थी। अपने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी का जिक्र करते हुए कहा, मैंने धर्म जी से शादी जरूर की थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इस शादी से किसी को भी दुख पहुंचे। उनकी पहली पत्नी और बच्चों ने कभी अपनी ज़िंदगी में मेरा दखल महसूस नहीं किया। मैंने धर्म जी को शादी के बाद भी कभी अपने परिवार से अलग रहने के लिए नहीं कहा। वहीं हेमा ने अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं और धर्मेंद्र इस उम्र में भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैंने जब धर्म जी को पहली बार देखा था तो मुझे पता चल गया था कि वो मेरे लिए ही बने हैं। मैंने तभी तय कर लिया था कि इसी इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने साल 1980 में शादी की थी। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी तो कर ली, लेकिन अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ा नहीं। प्रकाश धर्मेंद्र को तलाक नहीं देना चाहती थी, इसलिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल किया और हेमा मालिनी से शादी की। वो अपने दोनों परिवार के साथ अक्सर समय बिताते नजर आते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।